कृषि कानूनों, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस द्वारा 1 मार्च को करनाल में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन दोपहर 11 बजे करण पार्क से शुरू होगा। इस दौरान हजारों कांग्रेस वर्कर सड़क पर विरोध मार्च करेंगे। यह मार्च बस स्टैंड, कमेटी चौक, ओल्ड सिटी रोड, कुंजपुरा रोड, अस्पताल चौक से होते हुए मिनी सचिवालय के सामने पहुंचेगा। हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां लेकर लोग चलेंगे। यह जानकारी कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे करनाल के ऑब्जर्वर सुभाष बत्रा ने दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन देश भर में किए जाएंगे। इनके माध्यम से बीजेपी सरकार को चलता करने के लिए जनमत बनाया जाएगा। वह आज लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस अवसर पर विधायक शमशेर गोगी व संयोजक त्रिलोचन सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। 3 मुद्दे हैं किसान संघर्ष को लेकर, उसको और तेजी से बढ़ाने के लिए, ज्यादा सहयोग देने के लिए हमारे प्रदेशक नियुक्त हैं करनाल से पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा जी, जो आज आपको संबोधित करेंगे। बाकी सबसे आप परिचित हो, मैं किसी का नाम लूं तो टाइम आपका खराब करूंगा। बाकी सबको आप जानते हो, अभी सुभाष बत्रा जी पूर्व मंत्री आपसे रूबरू होंगे। पहले तो बत्रा जी हमारे प्रभारी हैं, ये आपको एड्रेस करेंगे। दो बातें हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसान सम्मेलन को सपोर्ट करने के लिए, और जो ये महंगाई है, महंगाई के नाम पे जो लूट हो रही है पेट्रोल डीजल की, इनको लेके 1 फरवरी को हम पूरे जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे। 1 मार्च उसके लिए मैं आपको एक बात, किसान आंदोलन पे आप सब जानते हो, लेकिन पेट्रोल डीजल के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ जिस पे रोज़ चर्चा होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पेट्रोल का व्यापार करता हूँ। आज के दिन जो रेट बढ़ रहा है, जब सरकार आई 110 रुपये रेट था, उससे पहले $147 से होके वापस आया था, उस टाइम 68 रुपये और 57 रुपये का रेट था डीजल, 57 रुपये डीजल और पेट्रोल 68 रुपये। उसके बाद ये सस्ता होता चला गया, नीचे आ गया 20 रुपये पे। उस टाइम 3.5 रुपये और 9.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी, क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा के उस कीमतों को कंट्रोल किया था। और आज जो सत्ता में लोग हैं, ये कहते थे कि इतना महंगा तेल, इसी को लेके ये कपड़े उतार के, इसी सिलेंडर को जो 400 कुछ रुपये का था, इसी को लेके सिलेंडर लेके प्रदर्शन करते थे। लेकिन उल्टा हो रहा है आज, दो तरह की ठगी हो रही है जो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 31.5 और 33 रुपये कर दी डीजल पे, 31.5 रुपये और पेट्रोल पे 33 रुपये। 2 बार सेस बढ़ा दिया, पहले 2 रुपये ट्रांसपोर्ट के नाम का बढ़ाया था, वो अलग है, और अब 4 रुपये और 2.5 रुपये पेट्रोल पे फिर बढ़ा दिया, और रेट बजट लागू होने से पहले ही उतना बढ़ा लिया। अब कल से रेट नहीं बढ़ा है क्योंकि आप लोगों ने मीडिया में बहुत शोर मचा दिया इसका, तो 2 दिन से रुका, लगातार 12 दिन रेट बढ़ता रहा, करीब 3.5 रुपये के करीब रेट बढ़ा लिया। अब 4 रुपये पहले ही पूरे कर लेंगे 1 अप्रैल से, फिर कह देंगे कि ये कंपनी सहन करेगी 4 रुपये और ये। और एक जो खतरनाक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे 225 रुपये सिलेंडर महंगा हुआ, और जो एक्साइज ड्यूटी का स्ट्रक्चर बदला है, वो फेडरल सिस्टम को कमज़ोर करने का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार कर रही है केंद्र की। उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी 2 तरह की है, एक एक्साइज ड्यूटी जनरल है जिसके अंदर 42% शेयर जो है वो स्टेट को मिलता है और 58% उनको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन इन्होंने उसको स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कह के टोटल की टोटल सेंटर के खाते में जाएगी, उसमें स्टेट को नहीं मिलेगी। तो स्टेट का हिस्सा जो है 17 से 18% रह गया 42 की बजाय, और सेंटर ने अपना हिस्सा जो है 80% कर लिया। ये एक नई चलाकी की है, ये जो करते ना
फिगर जोड़ते हैं ये, जब मैं इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं हूँ, आप लोग बेहतर समझते हो, इसमें जो जगलिंग करके हेराफेरी की है, ये हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि स्टेट जो हमने मीटिंग बुलाई है त्रिलोचन सिंह जी की अध्यक्षता में, तो उसका मुख्य एजेंडा, एजेंडे दो हैं। एक तो किसानों के खिलाफ काले तीन कानून, और आज 3 महीने से ऊपर हो गए रफली, और किसान सड़कों पे बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या में। और नरेंद्र मोदी साहब तो ये कहते हैं कि एक काल की दूरी पे, मैं ये कहता हूँ कि अगर वो एक काल की दूरी तो आज तक पूरी नहीं हुई। आपने अपने मुखातब से कभी किसी लीडर को टेलीफोन करने की भी कोशिश नहीं की। 5 मिनट बैठ, सुनो, मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि 200 से ज़्यादा किसान इस देश का अन्नदाता सड़कों पे दम तोड़ दे, कोई ठंड की वजह से, कोई हार्ट फेलियर से, और ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने मुख से एक भी शब्द संवेदना का प्रकट नहीं किया, तो मैं समझता हूँ इससे तानाशाह अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रजातंत्र में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और हर चीज़ ट्वीट पे कहते हैं, और ट्वीट के ऊपर क्या कहते हैं, MSP रहेगी। अरे आप उसको कानूनी रूप क्यों नहीं दे देते? रोजाना किसान लीडर बोलने लग रहे हैं। तो आज जो हमारा इकट्ठ हुआ है चुनिंदा, जो इस कलानो अपना करनाल पार्लियामेंट्री हलके के जो हमारे मित्र साथी चुनिंदा इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा डिस्ट्रिक्ट करनाल के, तो आज इसलिए किया कि हमने निश्चय किया कि 1 तारीख को करण पार्क से हजारों की संख्या में महंगाई के खिलाफ और 3 काले कानूनों के खिलाफ, जम के सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आज का मुख्य एजेंडा ये है, नंबर 1। नंबर 2, आज देखो पेट्रोल के रेट क्या हैं, डीजल के रेट क्या हैं। आज हर आदमी, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसान पे इफेक्ट पड़ता है, आज व्यापारी, कर्मचारी, आज हर नागरिक, मजदूर, हर नागरिक सड़कों पे है, और इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा चुकी है। रोजाना मर्डर्स, रोजाना रॉबरीज, इनके ना तो कोई SP है, ना काबिलियत है, और ना ही इनके पास प्रशासनिक कोई अकल है। मैं तो कहता हूँ कि आप दो, अभी 5-4 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी के 2 बयान पढ़ लीजिए, उन्होंने मीडिया में दिया है क्या, कि जो किसानों की वजह से जो टोलों का नुकसान इस प्रदेश में हुआ है, ये इस हरियाणा की जनता से वसूल किए जाएंगे। ये कितना एक तानाशाह भी ऐसी बात नहीं कहता जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा है। आज क्या कहा, कोई एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की जाएगी, कोई वैट नहीं हटाया जाएगा, इससे नुकसान होगा प्रदेश के राजस्व पे। तो जिस मुख्यमंत्री को ये पता नहीं कि प्रजातंत्र के अंदर जनता की भावनाओं के साथ मिलकर चलना चाहिए, और जनता के विपरीत जो बातें करोगे तो उससे आपका, प्रदेश का, आम आदमी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ, यही कहने के लिए आया हूँ, 1 तारीख को हजारों की संख्या में करनाल के लोग करण पार्क से चलेंगे, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये रूट तो त्रिलोचन सिंह जी बनाएंगे, जिस रूट से जाना होगा, बकायदा हर किसी के हाथ में वो पट्टियाँ होंगी और उसके ऊपर बकायदा लिखा होगा कि ये सरकार महंगाई को ख़त्म करो, किसानों के काले कानून वापस लो। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे साथ बड़े सीनियर लीडर शमशेर गोगी, वरिंदर राठौर जी, भीम मेहता जी ये बैठे हैं, बंता राम जी, त्रिलोचन सिंह जी, ये मेरी बहन बैठी हैं, नवजीत, इंद्रजोत जी, नवजोत कश्यप जी,
तो ये तमाम ये बैठे हैं लीडर, हर समाज से हर क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, तो आप देखना ये एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये करनाल मुख्यमंत्री का हेडक्वार्टर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये मुख्यमंत्री की नींव हिला देगा और यहाँ से मुख्यमंत्री का और पूरे प्रदेश की सरकार का जाना तय हो जाएगा। आप 1 तारीख को जरूर आएं, आपसे भी निवेदन है, और आपके सामने हम जो प्रजातंत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से हम पीसफुल तरीके से अपना प्रदर्शन निकालेंगे, यही बात आपके बीच में। बंगाल में बैठी है अमित शाह, हर दूसरे दिन वहाँ बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी हर तीसरे दिन वहाँ बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूँ, पांडिचेरी में भी वही हो रहा है रोजाना, ये तो कैमरे लगा के बैठे हैं कि लोकसभा के एमपी कौन कौन इसके काबू आ सकता है, विधानसभा में कौन कौन से एमएलए इनको तोड़ के ला सकते हैं। इनका एजेंडा, इनकी मोडस ऑपरेंडी यही है कि सरकारों को तोड़ो। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश के अंदर सिवाय जाति पाति के, सिवाय कास्ट पॉलिटिक्स के, धर्म के नाम पर इनके पास तीसरा एजेंडा दिखा दो, जो एजेंडा ने उन्हें पूरा किया हो। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।